नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी और मंडी भाव में। आज हम बात करेंगे धनिया की एक टॉप क्लास वैरायटी के बारे में और इसे किसान भाइयों द्वारा वर्षाकालीन ऋतु में क्यों अधिक मात्रा में बोया जाता है और ऐसी इसमें क्या खासियत है जो कि यह धनिया बारिश में भी अच्छी तरह से चलता है। ओके, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो शुरू करते हैं। ये देखिए आप, सरदार कंपनी का है। ओके, सरदार कंपनी का है, सरदार ग्रो सीड्स है। ये देखिए आप, जो कि एक चौड़ी पत्ती का धनिया है। जी हाँ, ये देखिए आप, चौड़ी पत्ती का एक लाजवाब धनिया है। और सबसे मुख्य बात है इसकी कि यह जून जुलाई माह में बहुत काफ़ी मात्रा में बोया जाने वाला धनिया है। जी हाँ, काफ़ी मात्रा में, यानी कि 70% किसान भाई इस धनिया को प्रीफर करते हैं, चुनते हैं, क्योंकि इसकी ये सबसे बड़ी खासियत यह है कि ज़्यादा बारिश भी होगी तो इस धनिया की ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी। जी हाँ, ज़्यादा बारिश में भी इस धनिया की ग्रोथ में, यानी कि इसकी चाल में रुकावट नहीं आती है। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बारिश का पानी पड़ता है इन पत्तियों पर, तो इन पत्तियों पर पानी टिकता नहीं है, यानी कि बारिश का पानी पत्तियों पर गिरने के बाद वो इन पत्तियों पर रहता नहीं है, जिससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या नहीं आती है। और पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगी, यानी कि पानी नहीं रहेगा तो पत्तियाँ पीली भी नहीं पड़ेगी, पीली नहीं पड़ेगी तो धनिया एकदम हरा जक दिखाई देगा और उसकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी। ओके, ये सबसे बहुत बढ़िया खासियत है इस धनिया की। बहुत सी कंपनियों के धनिया आते हैं और जिन पर पानी क्या है कि ठहर जाता है बारिश का, जिससे क्या है कि उसके पीले पड़ने की समस्या 90% रहती है। ओके, अब बात करते हैं कि इसके दाना कैसा आता है, यानी कि बीज। देखिए आप, ये देखिए आप, बीज पूरा धनिया आता है, इसको फोड़ के हमें बुवाई करनी है। ओके, और ये काफ़ी खुशबूदार धनिया भी है और बारिश में अच्छी तरह से चलने वाला है मुख्य रूप से। तो और हम बात करेंगे कि अब इसकी पहले फूकने की, यदि हम बुवाई करते हैं तो इसकी पहले वाड़ कब आएगा, यानी कि पहली कटाई कब होगी। तो इसकी पहली कटाई हम 45 दिन से 50 दिन के भीतर में हम पहली कटाई करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि इसकी पैकिंग आती है। ये देखिए आप, एक किलो की पैकिंग है। ये देखिए आप, एक किलो की पैकिंग आती है। ये देखिए आप, एक किलो की पैकिंग है। मात्र देखो, MRP बता रहा हूँ मैं आपको, 610 रुपये मात्र है, 610 रुपये मात्र है, जो कि अलग अलग एरियो में अलग अलग कीमत पर आपको उपलब्ध होगा। ओके, और यह बहुत ज़बरदस्त धनिया है। यदि आपने इस धनिया की वैरायटी को लगाया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपने इस सरदार धनिया ही लगाया है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और उसके रिजल्ट के बारे में भी बताएं। और जिन किसान भाइयों ने इस धनिया को लगाया है वर्षाकालीन ऋतु में तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अन्य किसान भाइयों को भी बताएं। आप इसका यूज़ सिर्फ वर्षाकालीन ऋतु में ही करें तो बहुत उपयोगी रहेगा। जी हाँ, वर्षाकालीन ऋतु में इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। शीतकालीन में मैं आपको एक अलग ही धनिया के बारे में बताऊंगा जो शीतकालीन ऋतु में काफ़ी अच्छा भी होता है। ओके, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को